इसके बाद है टेम्पटेड ये भी एक वर्ब है मीन्स एंटाइस्ड वन ओवर मतलब किसी की तरफ लालच में आ जाना इसके बाद है टैरी एक वर्ब है टू स्टे somewhere लॉन्गर देन वन शुड मतलब अपने इलाके से काफी दूर चले जाना इसके बाद है लियोर्ड ये एक वर्ब है इट मीन्स ड्राउंड इन चार्ड मतलब किसी चीज की तरफ खिंचा जाना मंत्र मुग्ध हो जाना इसके बाद है स्विफ्टली ये एक एडवर्ब है इट मीन्स क्विकली स्मूथली मतलब जल्दीबाजी में इसके बाद है टेंडर ये एक एडजेक्टिव है इट मीन्स जेंटल केयरिंग मतलब जल्दीबादी में सॉरी टेंडर मीन्स केयरिंग मतलब देख रेख करने वाला इसके बाद है स्माइट ये एक वर्ब है इट मीन्स कट और स्लैस मतलब टुकड़े टुकड़े करना या काटना इसके बाद है मरमर ये एक वर्ब है इट मीन्स स्पीक सॉफ्टली मतलब बहुत आराम से बोलना लो साउंड करना इन डिस्टिंग साउंड ऐसा साउंड जिसको हम नहीं पकड़ पाते हैं इसके बाद है लिंगर ये एक वर्ब है इट मीन्स डिले लिविंग मतलब विलम्ब करना कहीं से चलने में देर हो जाना इसके बाद है बीटाइट ये एक वर्ब है टू कम टू मिस फॉर्चून मतलब आफत आना या परेशानी आना इसके बाद है सकर ये एक वर्ब है इट मीन्स हेल्प मीन्स मदद करना अब यहां पे पोइट जो है शुरू करते हैं कि कहते हैं कि फुल आर माई पीचर्स एंड फार टू कैरी कि मेरे जो घड़ा है उसमें पानी भरे भरा हुआ है और मैं काफी दूर में हूं और मुझे काफी दूर से इसको ले जाना है एंड फार टू कैरी लोन इज द वे लॉन्ग लेकिन रास्ते में कोई नहीं है मैं अकेला हूं उसमें और रास्ता बहुत लंबा है वाई ओ वाई आई वॉज टेम्पटेड टू टैरी मतलब क्यों क्यों ऐसा हुआ कि मैं इधर आ गई और इसकी तरफ आकर्षित हो गई मतलब क्यों ऐसा हुई कि मैं इस दूर जगह पर मैं जाने के लिए आकर्षित हो गई मैं ललचा गई और मैं वहां चली गई लियोर्ड बाय दोट्समैन सॉन्ग और मुझे वहां जाने के लिए क्या चीज खींच लिया तो बोटमैन जो है गाने गा रहे थे उस गाने ने अपनी ओर मुझे लुभा लिया लियोर कर लिया स्विफ्टली द shadows ऑफ नाइट और फॉलिंग धीरे धीरे जो है वो रात की छाया जो है वो आगे बढ़ती जा रही है मतलब शाम होती जा रही है हियर ओ हियर इज द व्हाइट ग्रेन कॉलिंग इधर से व्हाइट क्रेन जो क्रेन एक प्रकार की पक्षी होती है जिसको सारस कहा जाता है वो भी आवाज कर रही है इज इट वर्ल्ड ऑल स्क्राई और इधर से जो है ऑल की आवाज भी आ रही है जंगली आवाज ऑल मतलब उल्लू होते हैं देर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी कोई भी ऐसा मून बीम्स का लाइट नहीं है जो मुझे प्यार दे वहां पर में मुझे हर जगह निराशा ही हो रही थी इसलिए यहां पे लिख रखा है टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी और कोई भी ऐसा मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि चांद भी जो है मेरे ऊपर प्रकाश दे और मैं उजाले में आ जाऊँ इफ इन द डार्कनेस ए सरपेंट शुड बाइट मी और इफ एन एवल स्पिरिट शुड स्माइट मी कहीं ऐसा ना हो कि इस अंधेरे में कोई जो है सांप आ जाए और मुझे काट ले या कोई बुरी आत्मा आ जाए और वो मुझे काट ले शुड स्माइट मी और मेरे और मुझे नुकसान कर दे स्माइट कर दे राम रे राम आई शैल डाई राम का नाम लेके बोलती है कि मैं मर जाऊंगी मै मदर विल मर मर शी लिंगर मेरी मदर सॉरी मेरे जो ब्रदर है मदर नहीं ब्रदर है मेरे जो ब्रदर है वो वहां पे बुदबुदा रही होगी अपने घर पे कि इतनी देर क्यों हो गई वह कहां रुक गई होगी इतना विलंब क्यों हो गई उससे वाई डॉ लिंगर मदर विल वेट एंड वीप मेरी मदर जो है वो वहां पर मैं वेट कर रही होगी और रो रही होगी सेफ मे द ग्रेट गॉड बर कहते हैं हे hey, मतलब सुरक्षित भगवान या ये भी कह सकते हैं कि किसी ने किसी तरीके से जो है हे hey, भगवान ग्रेट गॉड मेरी जो डॉटर है उसको यहाँ लाए उसको सेफ करें उसकी सुरक्षा करें द जमनॉस वाटर आर डीप जमुना का पानी बहुत गहरा है दमुना वाटर रश जमुना की जो पानी है वो बहुत जल्दी से आवाज के साथ बह रही है द शैडोस ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली जो शाम का अंधेरा है वो बहुत घना होता जा रहा है गैदर सो थिकली लाइक ब्लैकवर्ड्स इन द स्काई जैसे ब्लैकवर्ड आसमान में जो है बिल्कुल छाने लगते हैं उसी तरह से ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स वट विल बी टाइड मी कि अगर आंधी आ जाए तो मुझे को कौन बचाएगी क्या ऐसा चीज है जो मुझे डिटाइड करेगी हेल्प करेगी सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वे आर शेल आई हाइट मी अब यहां पे कहते हैं कि अगर बिजली गिरने लगे तो इससे मुझे कहां मतलब मैं कैसे बचूंगी मैं कहां छिपूंगी शेल आई हाइट मी या अपने आप को छिपाऊंगी अनलेस दो सकर माई footsteps स्टेप्स एंड गाइड मी राम रे राम आई शेल डाई अन माई फूट स्टेप्स अच्छा इससे पहले बता देना चाहते हैं कि ये जो लाइन है ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स वॉट विल बी टाइड मी तो यहां पे ये भी मीनिंग हो सकता है कि अगर स्टॉर्म आ जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा कैसे मैं बचूंगी लेकिन यहां पर मैं जो वर्ड मीनिंग के हिसाब से दिया हुआ है कि बिटाइड मतलब मिस आना और वो यहाँ पे यह कहे मतलब कह रही होगी उस टाइम में कि किस तरीके की परेशानी उसके जीवन में आ गई है तो चलिए फिर से उस लाइन पे चलते हैं अनलेस दाव सकर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड भी अब यहाँ पे दाव का मतलब क्या है दाव का मतलब हो सकता है कि ये जो घरा लेके आ रही है ये अपने मदर को जो है पुकार रही है और कहती है जब तक आपकी फुट स्टेप नहीं आएगी आस मेरे तब तक मैं रास्ता नहीं देख पाऊंगी और मुझे हेल्प नहीं मिलेगी और फिर से कहती है राम रे राम आई शल आई राम का नाम लेकर के राम भगवान का नाम लेकर के श्री राम का नाम लेकर के बोलती है कि मैं मर जाऊंगी तो विद दिस आई कंप्लीट दिस पोएम एंड आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल सो यू नीड टू रीड एंड रिसाइट द पोएम मोर एंड मोर टाइम्स एज मच एज यू कैन एंड देयर इज अल कन्वर्सेशन बिटवीन द डॉटर एंड द मदर ऑफ सरोजनी नायडोस पोएम्स सो यू कैन जस्ट Uh, you can just uh, experience it yourself after going through of several poems.